जब वो अवैध हैं, सरकारी संपत्ति में बनाए हैं, तब गिर रहा है। बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती है। जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है, उसकी संपत्ति गिराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो सही है कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का सही आदेश है, जो बीएसपी हर जगह घर गिरा दी है, किसी के आरोप किसी के ऊपर आरोप लग जा रहे तो उसका घर सबसे पहले गिराया जा रहा है। नहीं नहीं विपक्ष के लोग तो कहबे करेंगे, मथुरा घटना याद है? मथुरा घटना याद है, अवैध कब्जा है, जिसमें एसपी की भी जान गई थी, पुलिस की जान गई, दरोगा की जान गई, अवैध कब्जा था ना। तो जब कार्रवाई हो रही है अवैध कब्जे पर, तो उसको जोड़ा जा रहा है अपराध से। जब अपराध कर रहा है, तो अगर अपराध करने वाला व्यक्ति वो गलत जमीन पर, सरकारी जमीन पर बसा है, अवैध तरीके से बसा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, समाज के विकास के लिए ये करना चाहिए, ना कि चुनाव प्रचार के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हम 22 साल से कहते आए हैं और आज भी कह रहा हूं कि विपक्ष सत्ता में रहता है तो इनको जातिवाद जनगणना, सबको अधिकार बराबर देने की सुध नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको सब याद आता है, क्योंकि वोट के लेने के लिए इनको याद आता है। इनसे तो बढ़िया नीतीश जी हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवाद जनगणना करा दिया, चाहे गलत चाहे सही करा दिया। ये लोग क्या किए? सपा कांग्रेस बसपा के लोग क्या किए? तो जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। अब देखिएगा, हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वही जातिवार जनगणना कराएंगे और किसी के बस का नहीं है। सपा कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस खुद इसको जाति राजनीति कर रही है, वो आरक्षण विरोधी आरएसएस। लंबे समय तक तो पिछड़ी जातियों का हिस्सा, अनुसूचित जाति जनजातियों का हिस्सा कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने लूटा, तब जातिवाद नहीं था। 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियों को मिल रहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा, ये भूल गए? हिस्सा लूटने वाले लोग आज किस मुंह से बोल रहे हैं? लंबे समय तक उनका शासन था, उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं दिया सरकार में रह के? सर, कन्नौज मामले को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से वहां जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ डीएनए टेस्ट के, उसमें रेप की पुष्टि हुई है? कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे ना कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, उनको भ्रम था, अब तो टेस्ट हो गया, अब तो साबित हो गया, अब कौन सा टेस्ट चाहते हैं? अब तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि जो सरकार ने कदम उठाया था, जो पीड़िता ने एफआईआर कराया था, उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई की है। उस कार्रवाई का विरोध गलत बताने वाले लोग, अब तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं, पुलिस और सरकार सही काम कर रही है। पर समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि वो हमारा सपा का कार्यकर्ता ही नहीं है, ना कोई पदाधिकारी है, तो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा के लिए काम करता था। तो वो मिनी मुख्यमंत्री बन के रहता था, पूरे इलाके में चर्चा है, और सपा के नेताओं के साथ उसकी फोटो है, वो संगठन का नेता रहा है सपा क्या, ये क्या बोलेंगे? ये तो पार्टियों के नेता जब पकड़े जाते हैं किसी गलत काम में, तो वो पार्टियां कह देती हैं कि हमारी पार्टी का वो नहीं है। सर, टीएमसी विधायक है, उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की तुलना कसाईयों से की है, क्यों? उनका व्यक्तिगत व्यवहार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। सर, सीबीआई की जांच चल रही थी कोलकाता मामले में, आजीकर मेडिकल में भ्रष्टाचार के मामले को सीबीआई जांच कर रही थी, इसमें जो है पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष समेत 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है सीबीआई ने, कैसे? तो सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, जाँच कर रही है, जाँच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सीबीआई गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर, वो उपचुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं?
उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी है। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ काम पे लगे हुए हैं। सर, किन किन जगहों पर आपकी तैयारी ज्यादा है, किन किन जगहों पे ज्यादा? हम तो अभी कार्यक्रम लगाए हैं 7 तारीख को मझुआ मिर्जापुर, कटेरी, अम्बेडकर नगर 8 को, खैर अलीगढ़ 11 को, 12 को, 11 को आपके मैनपुरी करहल, और 12 को खैर अलीगढ़ में कार्यक्रम हमारे लगे हुए हैं, 15 को गाजियाबाद कार्यक्रम। सर, बहराइच में समय आदमपुर भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई बच्चे भी शामिल है उसमें। वहीं पे समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब भाजपा के विधायक ही बंदूक लेके जो है टहल रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? देखिए, सच बोलने की आदत तो है नहीं, सरकार पूरी तरह उस काम में लगी है, और विधायक का भी नैतिक कर्तव्य है, वो जनप्रतिनिधि है कि जो जनता के दुख में सुख में वो खड़ा रहे, ये नैतिक कर्तव्य है। और जो बरसात की वजह से जो आदमखोर जानवर बरसात की वजह से वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और सरकार पूरी तरह सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार विफल है, इस चीज पे लगातार मौतें हो रही हैं। तो वो क्या कर रहा है, उसको भी तो जाना चाहिए कि डर रहे हैं वो सब वहाँ जाने से, जाके उनको भी रात को पहरा देना चाहिए कि भाई हम तेरी सुरक्षा के लिए हम लोग आए हुए हैं, कोई दिखाई दे रहा है वहाँ? मतलब सरकार खड़ी है, जनता खड़ी है, और कोई तो दिख नहीं रहा है।